दोस्तों, एक अच्छी आदत आपकी लाइफ को चेंज कर देती है और इसका उल्टा अगर आपके अंदर कोई गंदी आदत है तो वो एक आदत ही आपकी लाइफ को पूरा बर्बाद कर देती है। जैसे कि नशा करना, टाइम वेस्ट करना, देर रात तक फोन चलाना, सुबह लेट उठना, फास्ट फूड खाना, गेम्स खेलना आदि, ये सब कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपकी जिंदगी को एकदम बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो इन सब आदतों को छोड़ दें। वो जोश में आकर ऐसा करते भी हैं, उसे छोड़ने का फैसला भी लेते हैं, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो जल्दबाजी में फैसला तो ले लेते हैं लेकिन अपनी कमजोर पावर के चलते वो उसे बीच में ही क्विट कर देते हैं, वो उस आदत को छोड़ नहीं पाते। दोस्तों, किसी भी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको उन तीन फॉर्मूला की जरूरत होती है और वो फॉर्मूला है 3R। दोस्तों, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए 3R सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है, जहाँ पर पहला आर का मतलब है रीजन, फर्स्ट आर रीजन। दोस्तों, आपकी कोई भी बुरी आदत तभी खत्म होगी जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। दोस्तों, एक लड़का था जो बहुत ही ज्यादा आलसी था, उसका पढ़ाई लिखाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। वो पूरे दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता, दारू सिगरेट पीता और बहुत ही गलत चीजों में पड़ चुका था। उसकी माँ यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसकी माँ को डर था कि कहीं उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। वो पूरा दिन टेंशन में रहती और वो चाहती थी कि उसका बेटा जिम्मेदार हो जाए और अपनी लाइफ को सफल बना ले, लेकिन उस लड़के को ये सब बातें बकवास लगती थी और वो अपनी माँ की एक बात को न सुनता। दोस्तों, अब एक बार क्या होता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, उसे वीकनेस होने लगती है, लेकिन उस लड़के को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था और वो अपनी माँ की इस बीमारी को छोटे समझकर इग्नोर कर रहा था। लेकिन एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से फाइनली उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अब ये सब देखकर लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि उसकी माँ के सिवाय उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अब ये सब होने के बाद सारी जिम्मेदारी उस लड़के पर ही आ चुकी थी। दोस्तों, अब पहली बार उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ सही कहती थी कि वो आवारा घूमता है, पैसे नहीं कमाता। अब उस लड़के को सारी बातें समझ में आने लगी थी। दोस्तों, ये सब होने के बाद उस लड़के को एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन मिल चुका था कुछ बड़ा करने का। उसकी माँ हमेशा से चाहती थी कि उसका लड़का बहुत ही ज्यादा कामयाब हो, लेकिन तब उस लड़के के पास कोई भी रीजन नहीं था। लेकिन उस लड़के की माँ की मौत के बाद वह लड़का बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ गया। उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, या तो वो गरीबी में ही मर जाए या वो सफल बन जाए। लेकिन उस लड़के ने दूसरा ऑप्शन चुना। उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ सालों के बाद ही वो लड़का बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुका था। और तब उसे पहली बार ऐसा लगा था कि अगर उसकी माँ यहाँ होती तो ये सब देखकर वो कितना खुश होती, और वो लड़का ये सब सोचकर इमोशनल हो गया। दोस्तों, ये कोई रियल लाइफ स्टोरी तो नहीं है, लेकिन इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम किसी भी आदत को तभी छोड़ सकते हैं जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो। जैसे कि रात को सोने से पहले फोन चलाना एक बहुत ही गंदी आदत है, क्योंकि इस समय आप सिर्फ फोन पर स्क्रॉल ही करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप इस समय कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते। आपके फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं ज्यादा फोन मत चलाओ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। अब आपका इस कंडीशन में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है रात में फोन चलाना छोड़ने के लिए। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि देर रात तक फोन चलाने से आपकी एनर्जी लो हो रही है, आप बीमारियों का शिकार बनते जा रहे हैं, तो शायद आप रात को फोन चलाना छोड़ दें, क्योंकि अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन आ चुका है कि अगर मैंने फोन चलाना नहीं छोड़ा तो मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है। दोस्तों, इन 3R में सेकंड आर का मतलब है रिसर्च, सेकंड आर रिसर्च। दोस्तों, साल 1990 के दौरान कुछ रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने लोगों को लिफ्ट में ट्रेवल करने के लिए मना किया और कहा कि लिफ्ट की बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, क्योंकि लिफ्ट आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि लिफ्ट का इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक है, और वो फिर भी लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, ये सब होने के बाद उन रिसर्चर्स ने लिफ्ट में कुछ बदलाव किए। उन्होंने लिफ्ट की बंद होने की स्पीड को 16 सेकंड तक बढ़ा दिया, और जब कोई भी लिफ्ट में जाता, लिफ्ट का देर में बंद होने की वजह से वो सीढ़ियों से जाने का फैसला लेता। और अब सब लोग ऐसा ही करने लगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो लिफ्ट का दरवाजा बंद होने तक लिफ्ट में रहे, जिसकी वजह से लोगों ने लिफ्ट का यूज करना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब उन्हें सीढ़ियों से जाने की आदत हो चुकी थी। दोस्तों, आप अपनी जिस भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप उसके बारे में रिसर्च करो और देखो कि मैं कैसे इस बुरी आदत को छोड़ सकता हूँ। जैसे कि आपकी कौन कौन सी आदत है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो जाते हैं, आप उन चीजों को जड़ से ही खत्म कर दीजिए, ताकि आप कोई भी बुरी आदत को अच्छे से छोड़ पाए। और दोस्तों, अब इसमें से 3R का मतलब है रिप्लेस, 3R रिप्लेस। दोस्तों, आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं उन्हें एक दिन में या एक महीने में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो आदतें आपको कंफर्ट देती हैं। लेकिन इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरी आदत से। जैसे कि आपको रात में फोन चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप अपनी इस आदत को पढ़ाई के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, आपको ज्यादा नहीं करना, बस आप 21 दिन के लिए कैसे भी करके इस मेथड को अप्लाई कर लें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपनी उस आदत को छोड़ने में सफल जरूर होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको जरा सी भी नॉलेज मिली है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूंगा।